नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग प्लस टिप्स में। तो आज मैं बना रही हूँ हनी चिली कॉलीफ्लावर। बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान है। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी लहसुन के बेनिफिट्स के बारे में भी। वीडियो एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम गोभी लिया है, इसे मैंने साफ पानी से अच्छे से धो दिया था। अब इसके फूलों को इस तरह से अलग कर लें, फिर हम इसे चाकू की सहायता से भी काट लेंगे। गोभी के फूलों को बहुत ज़्यादा फाइन या बहुत मोटा नहीं काटना है, बस इस शेप के ऐसे काट लें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था। गोभी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। गोभी को बहुत ज़्यादा हमें यहाँ नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए ही बॉईल करें। 4 मिनट हो चुके हैं और गोभी भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और तुरंत ही ठंडे पानी से धो देंगे ताकि गोभी हमारी ओवर कुक ना हो। अब एक बर्तन में हम 2 चम्मच मैदा लेंगे और 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही करें। नमक डाल देंगे, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, पेस्ट थोड़ा गाढ़ा ही रखें ताकि ये गोभी के ऊपर अच्छे से चढ़ जाए। इस तरह से ऐसे मिला लेंगे हम। अब इसमें हम ये गोभी भी डाल देंगे, अच्छे से मिला लें ताकि ये पेस्ट गोभी पे अच्छे से चढ़ जाए। तेल मैंने गर्म होने के लिए रखा था। अब इस तरह से गोभी डाल दें, गैस का फ्लेम आप हाई ही रखें। इसे फ्राई करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने गोभी को पहले ही बॉईल किया हुआ है, तो फ्लेम आप हाई ही रखें। एक साइड से ये पक चुके हैं, तो अब हम इसे पलट देते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसे पका लेंगे। इसे पकाने में करीब 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। ये पकौड़े हमारे रेडी हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बचे हुए गोभी को भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आप हाई ही रखें। अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठंडा हो जाने के बाद आप इसे हाथों की सहायता से अलग कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सॉफ्ट है, तो अब हम इसे डबल फ्राई करेंगे जिससे गोभी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पे फ्लेम हमें हाई ही रखना है और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाए। डबल फ्राई करते वक्त गोभी का कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। अब थोड़े कटे हुए लहसुन अदरक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। अब इसे हम 1 मिनट के लिए तेल में भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से मिल जाए। अब कटे हुए 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे, इसे भी 1 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसे इस तरह से काट लें। आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अब इसमें घोला हुआ कॉर्नफ्लोर और पानी का घोल डाल देंगे। 1 चम्मच सेजवान चटनी डालेंगे। थोड़ा पानी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी कर डालें। इसकी ग्रेवी थिक ही रहती है, थोड़ा पानी और डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अब थोड़ा इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रहे, नमक सॉस में भी होता है, तो नमक आप हिसाब से ही डालें। अब 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी थिक हो गई है, तो अब इसमें 2 बड़े चम्मच हम शहद डालेंगे। शहद डालने के बाद थोड़ा चला लें और नमक भी आप चेक कर लें। अब इसमें कटे हुए स्प्रिंग अनियन डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी हमारी रेडी है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए गोभी डाल देंगे।
गोभी डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस ऐसे मिला दें ताकि ग्रेवी अच्छे से मिल जाए। हनी चिली कॉलीफ्लावर हमारी रेडी है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। बस ध्यान रहे, गोभी को हमें दो बार फ्राई करना है तभी ये क्रिस्पी बनेंगे, और ग्रेवी में जब हम गोभी को डालें तो हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाएं, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब जानते हैं लहसुन के बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर ठंड में कच्चे लहसुन का सेवन किया जाए तो कई बीमारियों से एक साथ बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं जो हमें डायबिटिक, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाते हैं। फ्रेंड्स, कच्चे लहसुन के सेवन से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिस वजह से हम सर्दी जुकाम के संक्रमण से भी बचे रहते हैं। फ्रेंड्स, लहसुन को डिटॉक्स फूड की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसमें सल्फर मौजूद होती है जो बॉडी में मेटल से होने वाली क्षति को कम कर बॉडी को डिटॉक्स करती है। फ्रेंड्स, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो सूजन को कम कर जोरों और मसल्स के दर्द को कम करता है। फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत बनती हैं, साथ ही हमें थकावट और कमजोरी भी कम फील होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे लहसुन के कुछ बेनिफिट्स। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।